मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की हवा नहीं चल रही, कांग्रेस की आंधी चल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की ये बात सुनकर तेलंगाना में चुनाव प्रचार में भारी व्यस्त कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई होगी। तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये सवाल और बड़ा हो रहा है कि आखिर 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता किसको तेलंगाना का निजाम सौंपेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इस बार कांग्रेस तेलंगाना को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि हाल ही में पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता वापसी की है। इसीलिए पार्टी को उम्मीद है कि कर्नाटक वाला जादू तेलंगाना में भी चलेगा। योगेंद्र यादव हैदराबाद में सिविल सोसाइटी कॉल्स फॉर चेंज की प्रेस बैठक में बोले, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की हवा नहीं बल्कि आंधी चल रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ, इसलिए कि ये काम मैं एक जमाने में किया करता था कि इलेक्शंस में क्या होगा इसके बारे में अंदाजा लगाने का, तो वो प्रोफेशनल काम अब मैं नहीं करता। मैं कोई न्यूट्रल पॉलिटिकल एनालिस्ट होने का दावा नहीं करता, मगर मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ, तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की हवा नहीं चल रही, कांग्रेस की आंधी चल रही है। It is an absolute wave that we witness in Telangana. We have been hearing from all our colleagues from different parts. हमारे तमाम साथी तेलंगाना के कोने कोने से बता रहे हैं और खुद हमने जाके देखा है, टेक्निकल एविडेंस को देखा है। इसमें कोई शक नहीं कि तेलंगाना का इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा इलेक्शन हो रहा है और तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया। आपको बता दें कि कई एग्जिट पोल में भी दावा किया गया है कि इस पर कांग्रेस तेलंगाना का रन जीत सकती है। उसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है और वो उसे कड़ी टक्कर देती दिखाई भी दे रही है। एबीपीसी वोटर को ओपिनियन पोल में जहां केसीआर को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर देते हुए 43 से 55 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा कुछ ओपिनियन पोल ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त बनाती हुई दिखाया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए राहुल संग प्रियंका ने भी मोर्चा संभाल रखा है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को तेलंगाना की जनता किसको अपना निजाम बनाती है।